हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कीप का यूज। कीप का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। कीप किसी काम को जारी रखना, कोई भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप जारी रखते हैं। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस एक अलग फॉर्म में होता है, लेकिन कीप को हम लोग यूज करेंगे कैसे, इसको आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कीप या कीप्स प्लस आईएनजी, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। जब आप प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस बनाते हैं, उस कंडीशन में आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वह जाता है, वह खाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह पढ़ाई करता है, ऐसे सेंटेंसेस आप बनाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा बन जाए कि वह जाता रहता है, वह पढ़ाई करता रहता है, वह क्रिकेट खेलता रहता है, अगर ऐसा सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस को हम लोग कीप या कीप्स की मदद से करेंगे और साथ में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि कीप एक ऑलरेडी एक वर्ब होता है। अब ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इन चीजों में हम लोग अंतर देखेंगे आगे। हमारे पास सेंटेंस में देखने को मिलता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कि ता है, ती है, ते है, ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। वही कीप का यूज जब आप करते हैं तो सेंटेंस कैसे बन जाता है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो इसमें और साथ इसमें दोनों में अंतर है। अब हमने सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनाया, मैं खेलता हूं, आई प्ले हो जाता है, लेकिन कीप का यूज करके जब हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं तो हिंदी में उसका अर्थ निकल कर आता है, मैं खेलता रहता हूं, आई कीप प्लेइंग। अब हम यहाँ पे कीप का यूज करेंगे क्योंकि आई प्लूरल होता है और इंग्लिश में जो भी वर्ब्स होते हैं, जितने भी वर्ब, वह ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। वह बोलता है, ही स्पीक्स, वही यहां पे हो जाएगा, वह बोलते रहता है, ही कीप्स स्पीकिंग। ऐसे यहां भी सेंटेंस देखने को मिलता है और यहां भी सेंटेंस देखने को मिल रहा है। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप स्टडी। वैसे ये भी है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता रहता है, इसका सेंटेंस आप यहाँ पे देख लेंगे कैसे यहाँ पे बना है। आगे देखेंगे हम लोग इसका पास्ट टेंस में कैसे यूज किया जाता है, ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे पास्ट टेंस में। तो अब हम देखेंगे उसके लिए यहाँ पे हमने पास्ट में, जैसे कि आपको पता है कि कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट हो जाएगा, उसके साथ हमें आई एन जी यूज करना है, अर्थ निकल करके आता है लास्ट में, ता रहा, ती रही, ते रहे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, साथ में एक और अर्थ भी निकल करके आता है उसकी पहचान के लिए, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे। यूज कैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में साधारण तरीके से आ, ए, ई या था के अर्थों में सेंटेंस बनता है। मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, ये सेंटेंस बन गया। लेकिन यहाँ पे ता रहा, ती रही, ते रहे, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, ऐसे अर्थ निकल करके आते हैं लास्ट में। मैं क्रिकेट खेलता रहा, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई केप्ट प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारे पास सेंटेंस बन गया। वह देखा, ही सा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो वह देखता रहा, ही केप्ट लुकिंग या ही केप्ट सीइंग आप कर सकते हैं। तुम पढ़े, यू स्टडी, तुम पढ़ते रहे, यहाँ पे सेंटेंस हमारा बन गया यू कीप स्टडी, ये हमारा सेंटेंस बन गया। वह स्कूल गया, He went to school, ऐसा सेंटेंस है। वह स्कूल जाता रहा, He kept going to school, ये सेंटेंस ऐसे बनता है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ऐसे होता है। अब उसकी पहचान के लिए एक बार और आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके फ्यूचर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब हम यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, अब इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए देखेंगे फ्यूचर टेंस में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। विल कीप प्लस आई एन जी, यहाँ पे ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इसकी पहचान होती है। सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से आगे देखेंगे उसको भी देख लेते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हमने देखा है कि गा गे गी के अर्थों में निकल करके आता है, यहाँ पे गा गे गी के अर्थों में जो उसकी पहचान होती सेंटेंस के लास्ट में होता है गा गे गी, जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट, सिंपल तरीके से हम बनाते हैं।
ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इसकी एक पहचान होती है कीप के यूज के लिए। तो एग्जाम्पल में है, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, आई शैल कीप प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारे पास ऐसा हो जाता है। वह देखेगा, ही विल सी, वह देखता रहेगा, ही विल सीइंग, ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास ये बन जाते हैं। तुम पढ़ोगे, यू शैल स्टडी, यहाँ पे हो जाएगा तुम पढ़ते रहोगे, तो सेंटेंस बन जाता है यू शैल कीप स्टडी। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, यहाँ पे सेंटेंस बन जाता है वह स्कूल जाता रहेगा, He will keep going to school। ऐसे में फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे बनाते हैं। अब आगे हम देखेंगे, अगर यही सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में अगर होता है तो फिर कैसे होगा। मैं खेलता नहीं हूं, आई डू नॉट प्ले, और वही अगर यहाँ पे हो जाए, मैं खेलता रहता नहीं हूं, आई डू नॉट कीप प्लेइंग। अब करना क्या होगा, जो नॉट आएगा, जो नॉट का यूज हम करेंगे वो कीप के और डू के बीच में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव फॉर्म में थोड़ा सा चेंज होता है। वही यहां पे, ही डज नॉट स्पीक, ही डज नॉट कीप स्पीकिंग, वह बोलता नहीं है, वह बोलते रहता नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, यू डू नॉट स्टडी, तुम पढ़ते रहते नहीं हो, यू डू नॉट कीप स्टडिंग हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता है। He does not go to school, वह स्कूल जाता रहता नहीं है। ऐसे में हमारे पास जो सेंटेंस बनता है, He does not keep going to school। सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है, जिसके साथ जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो does का यूज करेंगे, प्लूरल है तो do का यूज करेंगे, बाकी कहीं भी हम ऐसे is का यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। अब हम इसमें देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव में, पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव में भी हम लोग वही काम करेंगे। मैं नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट ऐड करना भूल गया है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मैं नहीं खेलता रहा, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट कीप प्लेइंग, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट लगा है तो आप क्रिकेट के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहा, आई डू नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। वह नहीं देखा, He did not see, वह देखता नहीं रहा, He did not keep seeing, आप कर सकते हैं या looking कर सकते हैं। आगे हम लोग इसका details में और देखेंगे कि see का use कब करते हैं और look का use कब करते हैं। तुम नहीं पढ़े, You did not study, तुम पढ़ते नहीं रहे, You did not keep studying हो जाएगा। वह नहीं स्कूल गया, या वह स्कूल नहीं गया, ऐसा सेंटेंस प्रॉपर होगा, वह स्कूल नहीं गया। He did not go to school, ऐसा, वह स्कूल नहीं जाता रहा, He did not keep going to school, ये past indefinite में ऐसे हम लोग यूज करके देखेंगे। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसको पकड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर, इसमें थोड़ा सा भी आपको टाइम नहीं लगेगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आप आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेम चीज ऐसे ही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए नेगेटिव में, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहूंगा, आई शैल नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। वह नहीं देखेगा, ही विल नॉट सी, वह देखता नहीं रहेगा, ही विल नॉट कीप सीइंग हो जाएगा। तुम नहीं पढ़ोगे, यू शैल नॉट स्टडी, तुम पढ़ते नहीं रहोगे, यू शैल नॉट कीप स्टडिंग। वह स्कूल नहीं जाएगा, He will not go to school, वह स्कूल नहीं जाता रहेगा, He will not keep going to school। ऐसे में हमारे पास ये फ्यूचर इंडिफिनिट के नेगेटिव में सेंटेंस बनता है। इसमें भी हम लोग नॉट का यूज करते हैं तो शैल और कीप के बीच में नॉट का यूज करते हैं, शैल और विल। फ्यूचर इंडिफिनिट के नेगेटिव में एक चीज आपको इधर बताना जरूरी था कि विल या शैल दोनों काम यूज करेंगे अलग अलग, अगर सिंगुलर है तो विल, प्लूरल है तो सेल का यूज करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कीप का यूज करके करेंगे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है कि क्या मैं खेलता हूँ, ये तो यहाँ पे आप सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं कि डू आई प्ले, यहाँ पे ऐसे बन जाता है, लेकिन
अगर वही बात हो कि क्या मैं खेलता रहता हूँ, तो डू आई कीप प्लेइंग, ऐसे करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक, क्या वह बोलते रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में डज ही कीप स्पीकिंग ऐसा हो जाएगा। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते रहते हो, डू यू कीप स्टडी। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, और यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस में बन करके आता है कि क्या वह स्कूल जाता रहता है, डज ही कीप गोइंग टू स्कूल। ऐसे में आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद आता है पास्ट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस पहले बनाए थे उन्हीं से भी सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे लिया है। क्या मैं खेला, डिड आई प्ले, लेकिन यहाँ पे जैसे आता है तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या मैं खेलता रहा, डिड आई कीप प्लेइंग, वर्ब का यहाँ पे जो मेन वर्ब जो है हमारा प्लेइंग हो जाएगा, और कीप जो हमने पहले यूज किया था केप्ट, वो कीप हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव हमने यूज किया था कि केप्ट, तो यहाँ पे कीप हो जाएगा क्योंकि डिड लगा है, तो इसलिए यहाँ पे कीप हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो क्या वह देखा, डिड ही सी, क्या वह देखता रहा, डिड ही सीइंग या लुकिंग। आगे हम लोग देखेंगे लुक और सी में क्या डिफरेंसेस हैं। क्या तुम पढ़े, डिड यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते रहे, डिड यू स्टडी। क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल होगा, यहाँ पे हमें गो लगाना है। डिड ही कीप गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता रहा। ऐसे सेंटेंसेस हमने देखा कि पास्ट इंडिफिनिट में किस तरीके से होता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट के बाद अब हम आगे आएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडिफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें कैसे इसका यूज करना है यहाँ पे देखते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलते रहूंगा, क्या मैं क्रिकेट खेलते रहूंगा, शैल आई कीप प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह देखेगा, विल ही सी, क्या वह देखता रहेगा, शैल ही कीप सीइंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे शैल का यूज किया गया है, लेकिन आप यहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे तो सही है। जैसे कि यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है, आप यहाँ पे भी करेंगे विल ही कीप सीइंग ऐसे, क्योंकि सिंगुलर के साथ विल और प्लूरल के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सभी सिंगुलर प्लूरल के साथ स्पोकन लैंग्वेज में विल का ही ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे विल आई बी देयर, क्या मैं वहां पे रहूंगा, ऐसे सेंटेंसेस। विल यू स्टे विद मी, ऐसे सेंटेंसेस जब आप देखेंगे तो उसमें हो जाता है कि विल यू स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, तो वहां पे विल ऑटोमेटिक ये चला आता है। इसको हम लोग आगे के वीडियो सेशन में देखेंगे कि कैसे ये होता है। शैल यू स्टडी, यहाँ पे हमने देखा शैल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या तुम पढ़ते रहोगे। शैल यू कीप स्टडी, क्या वह स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता रहेगा, विल ही कीप गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से आपने देखा कि कीप का यूज टेंस में किस तरीके से करते हैं। आप कीप का यूज मॉडल्स के साथ कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विद अस।